हेलो एवरी वन एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल वेलकम टू द क्लास सो दिस इज आर क्रैश कोर्स हियर एंड इन दिस क्रैश कोर्स वी आर कवरिंग द करंट अफेयर्स तो बेसिकली आपका ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें स्टैटिक uh... ठीक है जिसमें स्टैटिक पोर्शन चल रहे हैं तो यहाँ पे हम इस क्रैश कोर्स के अंदर करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं एंड वी आर फोकसिंग ऑन द लास्ट टू ईयर्स करंट अफेयर्स और ये जो पूरा कोर्स है बेसिकली हमारा ज्यादा एम्फोसिस तो डेफिनेटली जनवरी 2000 हजार कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं मैं बता दूं काफी सारे बच्चे नए होंगे जनवरी 2022 से अप्रैल या मई जो होगा 2023 है ना इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा लेकिन काफी सारे करंट अफेयर ऐसे हैं जो कि टू में बहुत इंपॉर्टेंट रहे इतने इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में पूछे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जाम में आने चाहिए फाइन तो उन करंट अफेयर्स को सेलेक्टिवली उन करंट अफेयर को हम पहले से भी उठाएंगे तो लास्ट टू ईयर का करंट अफेयर आपका यहाँ पे रहेगा ये जो करंट अफेयर वाली क्लास है ये क्रैश कोर्स जो है करंट अफेयर का कल से आपका शुरू हुआ है मतलब कल इसकी पहली क्लास थी ऑलरेडी जो फर्स्ट क्लास है वो हो चुकी है अराउंड टेन फिफ्टीन टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड तो वो कल देख लेना आप तीन बजे इसकी क्लास होती है है ना टुमारो यू विल बी हैविंग द क्लास अगेन एट थ्री पी एम आज क्या टॉपिक लेंगे चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो भी बच्चे हैं तो 2023 प्रीलिम्स के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है और 2024 में जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा कोर्स रहेगा इसके अलावा इस कोर्स के अंदर टॉपिक्स तो हम कवर कर ही रहे हैं आपको नोट्स फॉर्म के अंदर स्लाइड्स भी हैं यह आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स फॉर्म में स्लाइड्स आपकी रहेंगी ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लियर टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है तीन बजे ये क्लास रहेगी सुबह सुबह एक करंट अफेयर की डेली क्लास होती है वो तो है ही इसके अलावा एक क्रैश कोर्स करंट अफेयर वाली क्लास दोपहर में तीन बजे रहेगी ये आपका टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको पी प्राप्त हो जाएगा सो so, uh, शुरू करते हैं यहाँ पे तो कल वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं, नहीं देखा है उसका लिंक ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है उसको आप देख सकते हो शुरुआत हम करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है 19 जनवरी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है फाइन 19 जनवरी से एंड आई विल बी टेकिंग द इकोनॉमिक्स इन दिस बैच कोर्स ओके तो जो बच्चे यू की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली दो को अगर आप टारगेट कर रहे हो यू कैन डेफिनेटली ओके एनरोल इन दिस बैच कोर्स ऑलरेडी अन पे पर हैं मेक श्योर कि आप इस कोर्स को मिस ना करें बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा और अगर नहीं है तो अन एकेडमी से आप जुड़ सकते हो और कैसे इसमें जुड़ना है सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप उस पर क्लिक करते हो तो ऐसा विंडो ये ओपन हो रहा है जिसमें फीस स्ट्रक्चर आ रही है सारी चीज़ें आ रही है आ, आपको अपना प्लान चूज करना है एंड पुट द कोड आर बी एल आई वी ई ओके आर बी लाइव जैसे ही आप ये कोड पुट करेंगे जो भी मैक्सिमम एप्लीकेबल डिस्काउंट है वो हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द पर्सनल गाइडेंस दिस इज द बेनिफिट अगेन तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा शुरू करते हैं आज आपकी लगभग साढ़े चार एक क्लास है इंडियन इकोनॉमी है ना तो क्रैश कोर्स टाइप में वहाँ पे इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक लेंगे तो आज शाम को साढ़े चार बजे क्लास आपकी रहेगी शुरू करते हैं पहला टॉपिक और ये मैंने आपको बता दिया साना कब तक के हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं ना क्योंकि ये एक कॉमन डाउट रहता है बच्चों का हालांकि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया कब से कब तक के करंट अफेयर पे हमारा फोकस है बट स्टिल स्टूडेंट्स हैव दीज काइंड ऑफ डाउट्स तो मैंने आपको शुरू में पहले ही बता दिया शुरू करते हैं काफी ऑब्जेक्टिव आपको रहना है मतलब टू द पॉइंट रहना है जितना स्मार्ट uh, स्टडी करोगे उतना बेनिफिट है उतना ज़्यादा चीज़ों को टॉपिक्स को कवर कर पाओगे तो होरिजोंटल कवरेज आपका ज़्यादा होना चाहिए है।, है ना यूपीएससी नहीं चाह रहा किसी टॉपिक में आपसे कोई पीएचडी करवा ले वो उसका पर्पज नहीं है जस्ट टू मेक श्योर sure कि आपको जनरल अवेयरनेस है या नहीं है ब्लू ब्लॉक पे आते हैं ये एक तरह का निक है जो कि आप देखोगे यू हैव दिस आर्कटिक सर्किल आर्कटिक सर्किल आप आई होप आप सभी जानते हैं है ना ये नॉर्थ पोल है अगर हम इस तरीके से इसको रखते हैं यू हैव दिस नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में इक्वेटर आ रहा है क्लियर समवेयर हियर इंडिया तो जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल यहाँ पे इसके आसपास का ये जो आर्कटिक ओशन है आर्कटिक ओशन वाला जो रीजन है यहाँ पे आप देखोगे ग्रीनलैंड है और आइसलैंड है तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के साउथ के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है ना ओशन का जहाँ पे अटलांटिक ओशन के अंदर ये पड़ेगा जहाँ पे क्या हो रहा है टेम्परेचर काफी कम है मतलब वो एरिया सराउंडिंग एरिया की तुलना के अंदर काफी कूल cool है वहाँ पे क्या है एक तरह से आप मान सकते हो वो एरिया ठंडा है इस तरीके से समझ सकते हो तो ये एरिया पड़ रहा है अटलांटिक ओशन में क्योंकि आर्कटिक ओशन यहीं पर खड़ा खत्म हो रहा है और आपका ये जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के साउथ के अंदर ये एरिया पड़ रहा है जो कि कंपैरेटिवली ठंडा है तो इस एरिया को निक नेम दिया है ब्लू ब्लॉप चर्चा में क्यों था एक रिसर्च सामने आई उस रिसर्च ने क्या कहा कि देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये सब हमें पता है और आर्कटिक जो एरिया है यहाँ पे चार गुना तेजी से बर्फ पिघल रही है और अगर ये जितनी भी बर्फ एकदम से पिघल जाएगी जितनी तेजी से पिघलेगी उतना ही इशू है सी लेवल राइज करेगा लैंड पानी में डूब जाएगी सबमर्ज हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी को थ्रीट है जैसे पोलर बियर है उसका तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बर्फ़ नहीं रहेगी कहाँ पे रहेगा तो वो जो रिसर्च थी वो कह रही है कि यहाँ पे डेफिनेटली ये ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं लेकिन ये जो एरिया है आइस ये जो एरिया है कंपेरेटिवली ठंडा है इसकी वजह से आइसलैंड आइसलैंड के कुछ ग्लेशियर्स हैं जिनके पिघलने की जो दर है मतलब वहाँ पे जो आइस मेल्ट कर रही है उसकी जो रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग एरिया किस वजह से देखने को मिल रही है वो कह रहे हैं कि ये जो ब्लू ब्लॉब है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हमें क्या जानना है ब्लू ब्लॉब क्या है क्या इसका इम्पैक्ट है नहीं है फाइन क्योंकि ऐसा ना हो एग्जाम में पूछा जाए एंड यू विल बी लाइक कि पता नहीं कहां से पूछ लिया यूपीएससी ने डिफिकल्ट पेपर तो नहीं बना दिया तो ये हो गया ब्लू ब्लॉब और एक तरह का कूलिंग वाटर है इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो आइसलैंड के पास पड़ रहा है अब इसमें और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये पूरा न्यूज़ क्यों है ये मैंने बता दिया इसमें एक और आपको टॉपिक ध्यान रखना है वो है आर्कटिक काउंसिल का आर्कटिक काउंसिल ये हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है और अभी आप देखोगे तो आर्कटिक काउंसिल को क्यों बनाया गया आर्कटिक काउंसिल को बनाया गया आप देखोगे यहाँ पे ये जो आर्कटिक सर्कल है इसमें काफ़ी सारे देश आ रहे हैं यहाँ पे रशिया आ रहा है स्कैंडिनेवियन नेशन है फिनलैंड है स्वीडन है नॉर्वे है ना, है ना आइसलैंड है ग्रीनलैंड का पूरा अधिकार डेनमार्क के पास है तो वो हो गया कैनेडा इज देयर और यूएसए है तो ये जितने भी देश हैं बेसिकली आठ ऐसे देश हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं तो आर्कटिक ओशन क्या है ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है मतलब किसी एक देश का इसके ऊपर अधिकार नहीं है ना सभी का इसके ऊपर अधिकार है तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया आर्कटिक काउंसिल एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी यहाँ पे बना ली और वो आर्कटिक काउंसिल क्या कर रही है जो भी इश्यूज इस एरिया में हो सकता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को लेके हो क्लाइमेट चेंज को लेके हो वहाँ पे जो इंडिजीनियस पीपल रह रहे हैं है ना जो हमेशा से लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके उनके वेलफेयर को लेके हो जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को ये आर्कटिक काउंसिल डील करेगी तो एक तरह की हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम आपने बनाया जो भी इशूज़ होंगे डील करेंगे इसमें क्या ध्यान रखना है आर्कटिक काउंसिल के अंदर कौन यहाँ पे परमानेंट मेंबर हैं तो ये आठ देश हो जाएंगे ये परमानेंट मेंबर हैं इनके नाम रटे होने चाहिए बिल्कुल याद करने हैं नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी अभी आप देखोगे इस तरह से पूछ लेता है एक दो साल पहले जी ट्वेंटी के मेंबर्स को पूछ लिया था तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस इस पे बनते हैं तो ये ध्यान रखो इंडिया इसमें क्या है इंडिया मेंबर तो नहीं है लेकिन परमानेंट ऑब्जर्वर है क्या है परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को यहां पे मिला हुआ है जो कि एक अच्छी बात है और इंडिया यहां पे देखेगा किस तरह से चीजें चल रही है नहीं चल रही है क्योंकि ये ग्लोबल कॉमन का पार्ट है किसी एक देश की और यहाँ पे कोई ऑनरशिप नहीं है सेकेंड हम टॉपिक पे आएंगे दिस इज अः अंबर ग्रीज अंबर ग्रीस जो होता है इसको एक तरह का गोल्ड uh, से भी इसकी तुलना की जाती है है ना फ्लोटिंग गोल्ड इसको कहते हैं तैरता हुआ सोना इसको कहते हैं ये चर्चा में क्यों होता है क्योंकि मुंबई के अंदर काफी सारा इस तरह से एम्बर अंबरग्रीज पकड़ा गया था और मुंबई पुलिस ने काफी आर्टिकल इस पे आए थे अंबरग्रीज क्या हो क्या होता है क्या नहीं uh, इसको समझते हैं देखो अंबरग्रीज जो है एक तरह का फ्रेंच वर्ड है जो ग्रे अंबर के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं और ये देखने में आपका इस तरह से लगेगा है ना इस तरह से लगेगा तो आपने देखा होगा यू हैव दीज जो वेल्स हैं क्लियर स्पेशली जो स्पम वेल है काफी बड़ी होती है अगर आप देखोगे ये साइज है स्पम वेल का है ना अभी पता नहीं चल रहा होगा कितना बड़ा है अगर इसको एलिफेंट से कंपेरिजन करोगे ये एलिफेंट ये एलिफेंट भी क्या लग रहा है बिल्कुल छोटा सा लग रहा है मतलब कितने एलिफेंट यहाँ पे आ जाएंगे आप देखोगे बहुत सारे एलिफेंट यहाँ पे आ सकते हैं तो ये जो स्पम वेल है ये क्या कर रही है कंज्यूम कर रही है डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी इसका फूड है वो कंज्यूम कर रही है और उसकी में से ये जो स्क्विड होते हैं स्क्विड बीक्स हैं है, है, है ना ये जिसको आप कई जगह पे ऑक्टोपस वगैरह कुछ भी कहते हैं तो इसको भी ये कंज्यूम कर रही है तो जो स्क्विड बीक होता है तो इसके जो पूरा सिस्टम है इंटस्टाइन वगैरह है वहां से जब ये प्रोसेस होता है स्पम वेल के सिस्टम से ये प्रोसेस होता है तो पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के रूप में जाता है और फाइनली ये अंबर निकल के सामने आता है सो ग्रीस इज बेसिकली सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस दैट फ्लोट्स अराउंड द सरफेस ऑफ द वाटर और ऐसा नहीं है जितनी भी स्पम वेल है सब करेंगी लगभग केवल और केवल एक परसेंट ऐसी स्पम वेल है जहां से ग्रीस हमें इस तरह से निकल के आएगा क्लियर जिस तरह से अंबर ग्रीस uh, निकल के आएगा सो so, ये हो गया कौन यहाँ पे दे रहा है किस तरह से अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मतलब इतना कॉस्टली क्यों है आप देखोगे एक किलो एक करोड़ रुपए की वैल्यू है इसकी और इतना कॉस्टली इसलिए है क्योंकि इसके जो फ्रेगनेंस है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है है ना जो परफ्यूम वगैरह है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंशंट टाइम में इजिपशियंस जो थे उसको इंसेंस के रूप में अपना यूज़ करते थे और आज के टाइम पे जो परफ्यूम मार्केट है उसमें इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई बहुत कम है बहुत मुश्किल से मिलता है इसलिए आप देखोगे इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है एक किलो एक करोड़ के बराबर है तो फ्लोटिंग गोल्ड एक वर्ड है इसके लिए यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका यूज है फाइन दिस मच यू शुड नो आगे आते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कुछ रीजन्स आपके दिए गए हैं रीजन्स बिहाइंड द पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ डुगोंग काऊ ये जो डुगोंग काऊ है या केवल डुगोंग कह लीजिए या सी काउ कह लीजिए इसको सी काउ भी कहते हैं तो क्या रीज़न है इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है तो रीजन पूछ रहा है कि क्या रीजन यहाँ पे होंगे ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी कॉमन है ना यू में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है क्योंकि अभी हम एनिमल्स की चर्चा करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है यूपीएससी पी वट शुड बी द आंसर क्या कारण है कि जो ये पर्टिकुलर एनिमल है डुगोंग इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है क्या फिशिंग रिलेटेड फैटल्टीज ना जो भी फिशिंग की जाती है मछली पकड़ने वाला उससे उस उसकी वजह से होता है इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहा है या साइट्स ने इनको कोई प्रोटेक्शन uh, uh, नहीं दिया हुआ है या इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है ना इनकी जो प्रजनन दर रिप्रोडक्शन है दिस इज स्लो स्लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन व्हाट शुड बी द आंसर व्हाट शुड बी द आंसर बहुत कम बच्चों का आंसर आया है दो बच्चे हैं कम से कम पंद्रह बीस आंसर तो आने चाहिए ना अगर नहीं आ रहा है तो स्किप करके लिखो ताकि पता चले कि हाँ रेस्पॉन्स आ रहा है आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो समझ पा रहे हो देखो आई का जिक्र तो नहीं है डुगोंग काउ कैसा दिख रहा है आंसर मैं बता देता हूं इसके अंदर जो थर्ड स्टेटमेंट है देखो सेकंड तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट तो आंसर में आना ही आना है लेकिन आपको देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट आना है तो ये पहला वाला कट हो जाएगा ए तो आंसर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा कोई भी प्लांट हो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर दोगे तो उसको एक्सटेंशन मतलब होना ही है उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी होगी अब फिशिंग रिलेटेड फेटलिटीज़ भी इसमें आएंगी क्योंकि एक तरह का मरीन मैमल है है ना मरीन मैमल है सी के अंदर रह रहा है तो डेफिनेटली फिशिंग एक्टिविटीज़ से नुकसान पहुंच ही रहा है तो फर्स्ट इज अगेन अ काइंड ऑफ जनरल स्टेटमेंट लेकिन ये पहला तो तीन में आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अब इसमें जो तो थर्ड स्टेटमेंट है अगर ये आपने पकड़ लिया साइट्स जो है है ना साइट्स क्या करता है जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ के अंदर उसको रेगुलेट कर रहा है तो इस तरह की जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसमें ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड ना हो क्यों क्योंकि अगर इस तरह से बिना किसी रेगुलेशन के इन, इनके अंगों का बॉडी पार्ट्स का इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो इनकी पॉपुलेशन तो खत्म हो जाएगी तो ये कह रहा है कि इसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है जबकि इसने क्या किया है साइट्स का जो अपेंडिक्स वन है जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन देते हैं वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको दिया हुआ है तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है जैसे ही आपने पकड़ा थर्ड स्टेटमेंट गलत है यू विल गेट योर आंसर बी इज द राइट आंसर एलिमिनेशन भी लग रहा है यहाँ पे ठीक है तो बी राइट आंसर है जिन बच्चों ने किया है वो सही है डुगोंग कुछ इस तरह का लगता है देखने में है ना ये मैमल है ये ध्यान रखना अगर आप देखोगे पूरा इस तरह से और इसका फ्रंट फेस फ्रंट फेस से आपको अंदाजा ना लगे कैसा लग रहा है इसलिए मैंने पूरा एक इसका मैमल है वो फिश नहीं है ये बेसिक इनसे भी आपके बनते रहते हैं। तो मरीन मैमल हो गया और इसका एक कॉमन नाम है जिसे हम कहते हैं सी काउ ये नाम इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना क्वेश्चन में इसी तरह से नाम वगैरह देकर कन्फ्यूज आपको करते हैं एक बार शायद सी हॉर्स पूछा हुआ है ठीक है यूपीएससी ने तो ये सी का वो है डुगोंग पे भी आई थिंक क्वेश्चन है जितना मुझे याद आ रहा है यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में डुगोंग पे क्वेश्चन किया हुआ है ये जनरली जो सी की होती है वो खाता है है ना उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है और यहाँ पे ये चर्चा में क्यों रहा क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा हम इसके प्रोटेक्शन के लिए पूरा कंजर्वेशन रिजर्व बना रहे कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है आई का जो स्टेटस है वनरेबल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल वन के अंदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन रहेगा शेड्यूल वन मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन तो जो भारत का कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डब्ल्यू पी ए शॉर्ट में लिखा है उसमें भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन है और जिस साइट्स की हम चर्चा कर रहे थे ये एक तरह की कन्वेंशन है जो क्या कर रहा है वाइल्ड लाइफ uh, जो है उसके जो uh, उसके अंदर जो ट्रेड हो रहा है जैसे क्या होता है मान लीजिए हाथी दांत है ना आईवरी जो होता है एलिफेंट के रिगार्डिंग तो उसके लिए हाथियों का क्या शिकार किया जाता है हाथियों को मारा जाता है उनको किल किया जाता है तो उस ट्रेड को अगर रेगुलेट करेंगे तो वो उसको भी हम कम कर सकते हैं है ना प्रोटेक्शन दे सकते हैं उसी उद्देश्य से साइट्स ने क्या किया हुआ है अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं प्लांट हैं एनिमल है उनको प्रोटेक्शन दे रखा है तो यहाँ पे अपेंडिक्स वन में मैक्सिमम प्रोटेक्शन है इसको क्यों हंट किया जाता है इसके मीट के लिए और इसके ऑयल के लिए ऑयल एंड मीट के लिए इसको हंट किया जाता है इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है और हैबिटेट डिक्रेडेशन है फ़िशिंग रिलेटेड फैटलिटीज है हंटिंग है है ना स्लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज अगेन वन ऑफ द रीज़न काफ़ी स्लो इसका रिप्रोडक्शन है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ इतना तेजी से नहीं हो रहा है दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मेजर रीज़न और तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये कंजर्वेशन रिज़र्व बना रहे हैं कहाँ पे बना रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार ये गल्फ ऑफ मन्नार है ये मैप लोकेशन यहाँ पे आ जाएंगी और पाक स्ट्रेट फाइन पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर हम ये जो पूरा एरिया है इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं आपको याद होगा यू हैव दैट डॉल्फिन डॉल्फिन के लिए भी कंजर्वेशन रिजर्व की uh, जो है बात हुई थी चलिए तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है दिस इज सफिशियंट ईयर ट्राई टू आंसर वन मोर क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन आर डिस्कशन इन द फर्स्ट क्लास मतलब कल जो क्लास हुई थी उसी पे बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया है एशियाटिक चीता के बारे में कुछ पूछा जा रहा है एशियाटिक चीता के बारे में पूछा जा रहा है द एशियाटिक च मतलब जो एशिया में मिल रहा है उस चीता की बात हो रही है क्या हंटिंग वगैरह इससे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे बेस मतलब इसको खाने की कमी हो रही है इसका हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया के अंदर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि आई की जो रेड लिस्ट है आई एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जो भी नेचर है है ना उसके प्रोटेक्शन में वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज है उनके कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं स्विटरलैंडक्वार्टर है तो आई यू सी एन की एक रेड लिस्ट आती है तो क्या आई की रेड लिस्ट के अंदर इसको एक्सटिंक्ट क्लासीफाई किया है है ना क्या उसमें इसको एक्सटिंक्ट क्लासीफाई कर दिया गया है ये दो स्टेटमेंट है वट शुड बी द आंसर इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो चुका है इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा पहला स्टेटमेंट तो सही है ये तो मैं बता देता हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट और नॉट अब सारे बच्चे कर दो आंसर कल ही तो पढ़ा है इसको इसको तो रिवाइज नहीं किया होगा तो भी आंसर आ जाएगा वट शुड बी द आंसर मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग इट राइट कुछ बच्चों का गलत है बाकी मैक्सिमम बच्चों का सही जा रहा है देखो एशिया का एशियाटिक जो चीता है इंडिया में जो चीता है वो तो अफ्रीका वाला चीता है नामीबिया ठीक है क्योंकि एशियाटिक चीता इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया में तो मिल ही नहीं रहा 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था केवल और केवल कहाँ मिल रहा है ईरान के अंदर मिल रहा है अब जब ईरान में मिल रहा है एशियाटिक चीता तो फिर एक्सटिंक्ट कैसे हो जाएगा विलुप्त करार कैसे दे दोगे उसको तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है आंसर क्या जाएगा ए इज़ द राइट आंसर तो इस तरह से एनिमल्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं और ये यूपीएससी काफ़ी समय से पूछ रहा है क्यों पूछ रहा है क्योंकि यूपीएससी ने प्रलिम्स जो एग्जाम है वो फॉरेस्ट सर्विस का और जो आईएएस आईपीएस वाला है उसको क्लब किया हुआ है तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप देखोगे एनवायरमेंट पे इस तरह के क्वेश्चन जहां पे रट्टा मारने की जरूरत है या फिर थोड़ा सा अलग हटके हमें कवर करने की जरूरत है वहां पर क्वेश्चन पूछता है आगे आते हैं वाइट चिक्ड मकाऊ और ये मकाऊ जो है एक तरह का ओल्ड वर्ल्ड मंकी है है ना ये मैच्योर मंकी आपको इस तरह से दिख रहा है काफी लॉन्ग इसके आ, जो थिक हेयर है है ना लेकिन अगर आप देखोगे थोड़े जुवेनाइल्स को तो ये बिल्कुल जो बंदर होते हैं उसी तरह से आपको दिखेंगे और मकाऊ ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं वाइट मकाऊ जो है ये अगेन वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ मकाऊ है कहाँ पे मिल रहा है आ, ये देखो इंडिया के अंदर केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में मिलता है केवल अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में मिल रहा है और वो भी पहले जो है ये मान के चल रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं मिलता है ये भी आई थिंक 2015-16 में इनको पता चला और उसके बाद मानना स्टार्ट किया अदरवाइज ये मान के चल रहे हैं कि केवल तिब्बत में ही मिलता है पहले ये भी नहीं था कि इंडिया में मिल रहा है लेकिन जब इसको स्पॉट किया गया इस तरह से देखा गया तो ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है तो कहाँ मिलता है तिब्बत के अंदर और अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से मिलता है दूसरे जो मकाऊ है उसके कंपेरिजन में अलग होगा व्हाइट चीक ये वाइट कलर का ये थिक फर इसका आपका दिख रहा है इसकी टेल काफ़ी लंबी है है ना और फॉरेस्टेड हैबिटेट में ये रह रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर इस तरह से रहता है एवरग्रीन कॉनिफर फॉरेस्ट में भी रहेगा तो ये इसका हैबिटेट है कहाँ कहाँ पाया जा रहा है थोड़ा ध्यान रखो इंडिया में केवल अरुणाचल प्रदेश में लिख देगा वेस्टर्न घाट में मिल रहा है वो गलत हो जाएगा फाइन सो so, और इसमें क्या ध्यान रखना है देखो ये जो इसका स्टेटस है दिस इज एंडेंजर्ड है ना एंडेंजर्ड स्टेटस इसका है आई की रेड लिस्ट पे ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लो और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कहीं पे भी इसको प्रोटेक्शन नहीं दे रखा है ठीक है वहाँ पे ये इसका प्रोटेक्शन नहीं है वाइट जो ये चिक्ड मकाऊ है हैज़ नॉट बीन येट इंक्लूडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है ये क्या है मेट्री होते हैं मतलब यहाँ पे क्या होगा डोमिनेंट जो है फीमेल जो है वो डोमिनेंट रहेंगी तो मेट्री आर्कियल ये होते हैं सोशल ग्रुप्स इनके जो है मेट्री आर्कियल होते हैं आप देखोगे एलिफेंट में भी जनरली मेट्री आर्कियल ये हमें देखने को मिलता है ये तो यूपीएससी ने पूछ रखा है एलिफेंट वाला वो एक बाउंसर क्वेश्चन था है ना तो ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कोला है ना काफी क्यूट सा एनिमल लगता है देखने में तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुतायात में पाए जाते थे अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है इनको एंडेंजर डिक्लेयर कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने एंडेंजर इनको डिक्लेयर कर दिया है अगर आप देखोगे कोआला या कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया की पहचान है और कोवाला का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब वो फॉरेस्ट फायर हुई थी है ना तो कोला को एंडेंजर स्पीशीज डिक्लेयर किया है क्या हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है देखो सबसे पहले तो इस पर अंडेंजर डिक्लेयर किया गया क्यों किया गया क्योंकि जिस तरह से फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लग रही है स्पेशली हम देखेंगे दो की जो बुश फायर है क्लियर नाउ नॉन एज द ब्लैक समर इसको ब्लैक समर के नाम से भी जाना जाता है तो उस बुश फायर के बाद वो जो जंगलों में आग लगी उसकी वजह से इनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गए फाइन खाने की कमी हो गई यूकेलिप्टस का पेड़ होता है उसकी पत्तियां खाते हैं लगभग एक दिन में एक किलो पत्ती मिनिमम मान के चलिए ठीक है तो इनका जो खाना है उसके अंदर क्या है वैरायटी नहीं है एक ही चीज़ खा रहे हैं डेली वही चीज़ खा रहे हैं तो इनका न्यूट्रिशन बहुत लिमिटेड होता है न्यूट्रिशन लिमिटेड है तो एनर्जी लेवल इनका बहुत डाउन होता है बहुत सुस्त होते हैं अट्ठारह अट्ठारह घंटे सोते हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आलस ज़्यादा आ रहा है ना एनर्जी लेवल काफ़ी कम है तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन लाइफ स्टाइल यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ा सा खाने पर ध्यान और आपका काम बन जाएगा है ना कोवाला की चर्चा है इंपैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग ड्रॉट अब रीज़न बता रहे हैं क्यों है रीजन में कुल मिला वही आएगा हैबिटेट लॉस हो रहा है ठीक है और ह्यूमन जो इंटरफ्रेंस देखने को मिल रहा है तो एज यू कैन सी देखो ये ड्रॉट हो रही है फॉलोड बाय दिस बुश फायर ब्लैक समर वाली जो बुश फायर है डिजीज़ अर्बनाइजेशन है ना हैबिटेट लॉस ड्यू टू अर्बन सेटलमेंट एट्सेट्रा ये सारे रीजनस है अब कोवाला में ध्यान रखना है मार्सुपियल्स है मार्सुपियल में क्या होता है प्री मेच्योर बर्थ होता है और जो बेबी होता है वो लोअर वैली के अंदर जैसे कंगारू में आपने देखा है ना लोअर वैली के अंदर वो बच्चा वहाँ पर रहता है क्योंकि वो प्री मेचोर बर्थ है तो वो जो मदर है उसकी लोअर वैली पे ही वहाँ पे कुछ समय तक रहते हैं ये इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो साउथ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे बहुत आयात में मिल रहा है क्लियर सो दिस मच यू शुड नो ठीक है इतना काफ़ी है आगे हम आते हैं ये है आपके एशियाटिक या फिर इंडियन वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है ढोल ढोले अलग अलग नाम है है ना इंडियन वाइल्ड डॉग कई जगह पे माउंटेन वॉल्फ अलग, अलग अलग नाम इनको दिया जाता है तो ये देखने में आपका ऐसा लग रहा है क्लियर और काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है जो डॉग होते हैं या फॉक्सेस हैं या वॉल्फ हैं उनसे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है इंडिया में कहाँ भी मिलेगा आप देखोगे इसका जो हैबिटेट है स्पेशली सो दिस इज बेसिकली सेंट्रल साउथ साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे मिल रहा है मतलब इंडिया के अलावा और दूसरे पार्ट्स में भी मिलेगा इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड ऑल अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है इंडियन वाइल्ड डॉग विस्लिंग डॉग रेड डॉग एक्सेट्रा और ये जो होते हैं वेरिड उसमें रह रहे हैं ठीक है अक्रॉस uh, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डिफाइंड हैबिटेट है वहीं पे मिलेगा हर जगह पे ये आराम से इस तरह से पाए जाते हैं इंडिया में देखोगे सदर्न पार्ट में भी है ईस्टर्न पार्ट में भी है इन सम नॉर्दर्न पार्ट्स आल्सो देयर लिस्टेज एज एंडेंजर एंडेंजर इनको क्यों मैंशन किया गया है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है अडल्ट जो है उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत लिमिटेड है और यहाँ पे आप देखोगे फ्यूअर देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अडल्ट लेफ्ट ठीक है देखो कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी जैसे मैंने देखा कल एक बच्चे का कमेंट था सर आई यू सी एन क्या होता है या फिर ये हमने एंडेंजर लिखा है तो किस बेसिस पे लिखा है समझ रहे हो आप कि किसी एनिमल को तो हमने एंडेंजर डाल दिया किसी को वल्नरेबल डाल दिया वट इज द बेसिस तो जो एनवायरमेंट हम कर रहे हैं ये तो हम करंट अफेयर कर रहे हैं एनवायरमेंट का क्या कर रहे हैं करंट अफेयर कर रहे हैं तो इसी तरह से आप देखोगे एनवायरमेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है एनवायरमेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है एक बुक आती है शंकर आइएस करके काफ़ी अच्छी बुक है है ना काफ़ी तरी, अच्छे तरीके से वो जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर करती है तो आप देखोगे वो जो बुक है एनवायरमेंट का एक मैराथन सेशन है उसमें मैंने कवर करी है तो आप क्या करोगे इस तरह से एनवायरमेंट यूपीएससी राहुल भरद्वाज ये डाल के सर्च करोगे तो एक वीडियो आपको मिलेगा आई थिंक साढ़े पाँच घंटे का वो वीडियो है एक ही क्लास है यूट्यूब पे ही मिल जाएगी स्टैटिक पोर्शन में हमने एनवायरमेंट कवर किया तो उसमें मैंने आपको एनवायरमेंट पढ़ा रखा है स्टैटिक पोर्शन तो जिन बच्चों को नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं इस इस तरीके से कि आई क्या है या क्या है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको कर लेना यूट्यूब पर ही डाल देना एनवायरमेंट फॉर यूपीएससी राहुल भारद्वाज यू विल गेट दैट वन क्लास मैराथन सेशन हम बोलते हैं जो बड़ी क्लासें होती हैं जनरली तीन घंटे से बड़ी जो क्लास है उसके लिए मैराथन सेशन हम वर्ड यूज करते हैं तो मैराथन सेशन आप लिख के ढूंढ सकते हो कुलदीप कह रहे हैं वेटिंग फॉर यू इन जयपुर हाँ जयपुर के अंदर संडे को आई विल बी देयर ऑन अन अकेडमी ऑफ़लाइन uh, सेंटर तो अगर आप जयपुर या आसपास एरिया में हैं तो इस संडे को uh, दोपहर बारह बजे एक ऑफलाइन हमारी क्लास होगी जो भी आपके डाउट हैं वो आप पूछ सकते हो अपने आंसर्स वगैरह आप इवेलएट कराना चाह रहे हो वो चीज़ है सो डेफिनेटली दिस इज़ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मी ऑन ऑफलाइन सेंटर ऑफ एन अकेडमी इन जयपुर इस संडे को uh, दोपहर बारह बजे लिंक और डिटेल्स मैंने शेयर किए हैं आपको uh, टेलीग्राम पे लिंक और डिटेल शेयर किया हुआ है नेक्स्ट आते हैं मकाऊ को क्यों नहीं किया है देखो मकाऊ को इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी उसकी पॉपुलेशन को लेकर ही असमंजस की स्थिति है ना पहले यह था कि इंडिया में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फाइन तो अब ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें और फिर उसके बाद में उसकी लिस्टिंग वहां पे रहेगी क्योंकि पहले 2016 के पहले तो ये था कि वो इंडिया में मिलता ही नहीं है तो जब इंडिया में मिलता ही नहीं है तो कैसे उसको वहां पे प्रोटेक्शन देंगे क्लियर आ, ये है श, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल सॉफ्ट शेल टर्टल हैं टर्टल आप जानते ही हैं और ये काफी स्मॉल हैं अगर आप देखोगे देखो अंगुली में पकड़ रखा है और काफी छोटे छोटे ये ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल हैं ये वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड एंड रेयरस्ट आपके टर्टल हैं चर्चा में था क्योंकि असम का एक टेंपल है 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 ना उस उस टेंपल का जो टैंक टैंक के अंदर ये हमें देखने को मिले थे फाइन और आप देखोगे एंडेंजर्ड इसलिए क्योंकि लोग इसको पकड़ के ले जाते हैं फॉर दैट फूड परपज वगैरह या इसको बेच दिया जाता है जो भी तो फाउंड नो वेयर हेल्थ इन वर्ल्ड द लास्ट ऑफ दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई असम के अंदर ही मिल रहा है और इसको आई का स्टेटस क्या है यह ध्यान से देखना यह है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एक्सटिंग जो स्टेटस है ये विलुप्त एक्सटिंक्ट होने से जस्ट पहले का स्टेटस है एक्सटिंक्ट हो जाएगा मतलब जैसे आज डायनासोर एक्सटिंक्ट है वैसे हो गया एक्सटिंक्ट से जस्ट पहले कोई भी स्पीशीज को रखा जाता है वाइल्ड के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो गई है मतलब जू में या कहीं और जगह आपने उसको प्रिजर्व किया हुआ है वाइल्ड एरिया के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड से बाद में आएगा क्रिटिकली एंडेंजर इस तरफ और फिर आ जाएगा एंडेंजर ठीक है और फिर आ जाएगा वल्नरेबल इस तरीके से थ्रेट परसेप्शन इधर जा रहे हैं तो कम हो रहा है खतरा कम हो रहा है इधर जा रहे हैं तो खतरा बढ़ रहा है इसको देखोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर यह आएगा ठीक है अब आते हैं जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है हालांकि ये रिपोर्ट है थोड़ी सी बड़ी रिपोर्ट है लेकिन हमने इसको समराइज किया है और इस रिपोर्ट से एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक तो यही पूछ लेगा क्या इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है ठीक है क्या ये हर साल रिपोर्ट आती है तो ये दो साल में एक बार आती है इसलिए हम 2021 वाली रिपोर्ट को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस साल के प्रॉब्लम्स के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है अगले साल के प्रॉब्लम्स के लिए डेफिनेटली नई रिपोर्ट का हम देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है इसको आ, दो साल में एक बार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है कौन करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दो साल में एक बार रिलीज कर रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है और ये जो रिपोर्ट है ये एक तरह का असेसमेंट है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है ट्री कवर कितना है और उसके बारे में हमें बता रहा है स्टेट्स को ये इस तरह से देखेगा कि हाँ कौन से स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर है वो बड़ा है कहाँ पे कम हुआ है तो ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है है ना मार्जिनली इंक्रीज हुआ है बट स्टिल इंक्रीज हुआ है सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग हालांकि क्रिटिक्स इसको भी कह रहे हैं कि ये आपने इंक्रीज कर दिया हुआ नहीं है उसपे भी हम आएंगे आ, सौम्या पूछ रही है सर दो साल पहले आपने जो मैराथन सेशन लिया था मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो दो साल लगभग लग दो तीन साल पहले का जो सेशन है उसी की यहाँ पे चर्चा है क्योंकि देखो स्टैटिक पोर्शन तो चेंज होगा नहीं आपका स्टैटिक पोर्शन तो चेंज नहीं होता ना वो तो हमेशा ही वही रहता है करंट चेंज होता रहता है इसलिए करंट चैलेंजिंग है लेकिन स्टैटिक पोर्शन आपने एक बार कर लिया तो वही रहेगा जैसे पॉलिटी में पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट तो वही रहेगी चाहे इस साल अपियर हो रहे हो या दो साल बाद हो रहे हो तो एन्वायरमेंट में जो इको का कॉन्सेप्ट है ओशन एसिडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेंगे उसमें कुछ चेंज होगा नहीं तो हाँ वो दो तीन साल पुराना है वो सेशन डेफिनेटली उसको आप देख सकते हैं ठीक है तो ओवरऑल मार्जिनली इंक्रीज हुआ है लेकिन दिक्कत क्या है जो नॉर्थ ईस्ट हमारे एरिया है है ना नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग बंगाल एंड यू हैव दैट सिक्किम ऑल्सो यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्लाइन किया है डिक्लाइन किया है. तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखो इन जनरल ध्यान रख लो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो डिक्लाइन कर रहा है और गेन कहाँ कहाँ पे हो रहा है आंध्र प्रदेश में है टॉप थ्री ध्यान रख लो तेलंगाना है उड़ीसा है या ये जो टॉप फाइव है ये ध्यान रख लो क्योंकि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट बनाएगा यू विल बी हैविंग दिस स्कोप कि हाँ आपका हो जाएगा तो कौन कौन से स्टेट ने फॉरेस्ट कवर में गेन किया है कहाँ पे लॉस हुआ है तो आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड मिजोरम मेघालय ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर का लॉस हमें देखने को मिला है एंड दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कंसर्न और हम आगे आए ये कुछ बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पहला सर्वे 87 में किया गया था अभी जो सर्वे आया है 2021 वाला ये सेवनटीन आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला ये सर्वे है फाइन आई ये जो रिपोर्ट है ये सेवनटींथ रिपोर्ट आपकी है और इसमें क्या ध्यान रखना है देखो अब ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना ये इंपॉर्टेंट है पूरा क्या है आपको पूछेगा कौन से जो स्टेट हैं असेंडिंग डिसेंडिंग करके पूछ सकता है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है तो एक तो हो गया एप्सोलूट एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है तो आप देखोगे सबसे ज्यादा कहाँ पे है एम के अंदर है मध्य प्रदेश फिर है अरुणाचल प्रदेश फिर है आपका छत्तीसगढ़ फिर है उड़ीसा और फिर है महाराष्ट्र तो ये तो हो गया एप्सोलूट है ना टोटल एरिया वाइज अब हम बात करेंगे कोई भी जो स्टेट है उसके परसेंटेज एरिया के रूप में कौन से स्टेट में परसेंटेज उस एरिया का है ना फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत है उसकी हम बात करें तो वो भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर आपका आ रहा है मिजोरम ये मिजोरम आ रहा है फर्स्ट पे फॉलोड बाय द अरुणाचल प्रदेश तो ये अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह पे कॉमन हो गया है ना ये याद करने में इजी होगा ऊपर मिजोरम है नीचे मेघालय है फिर मणिपुर है और फिर नागालैंड नागालैंड है ठीक है तो इसको दोनों को एक ही जगह पे लिखना ये है परसेंटेज के रूप में किसी भी जो स्टेट है उसके एरिया के परसेंटेज जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मिज़ोरम स्टेट है मिज़ोरम के अंदर जो स्टेट का एरिया है जोग्राफिकल एरिया है उसका एट्टी क्या है फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत है उसमें बात हो रही है और यहाँ पर जो है एप्सोलूट एरिया मतलब टोटल लैंड एरिया जो है उसकी बात हो रही है तो ये जो इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट है फैक्चुअल है याद रखनी पड़ेगी लेकिन इम्पॉर्टेंट है और हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर आ रहा है वो आ रहा है लगभग ट्वेंटी वन परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट के आसपास आ रहा है जबकि हम चाहते हैं वन थर्ड तो हो कम से कम बट स्टिल दिस इज ट्वेंटी वन परसेंट लास्ट ईयर के कम्पेरिजन में मार्जिनली इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर ट्वेंटी था और अभी जो लेटेस्ट वाला रिपोर्ट है उसमें ट्वेंटी है द स्टेट दैट हैव शोन द हाइएस्ट इंक्रीज़ ये हाइस्ट इंक्रीज कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ हुआ है ये तो हमने कर लिया मैंग्रोव के अंदर भी इंक्रीज़ देखने को मिला है ना मैंग्रोव क्या होते हैं आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज़ हैं है ना ऐसे कोस्टल एरिया जहाँ पे लैंड के अंदर जो आ, जनरली आप देखोगे फ्लडेड एरियाज हैं वो जहाँ पे ब्रैकिश वाटर है सेलैन वाटर मिल रहा है तो वहाँ पे एक अलग तरह का वेजिटेशन मिलता है वो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जनरली कोस्टल एरिया में हैं तो कोस्टल एरिया में जो मैंग्रूवस हैं इनके अंदर भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है ये है पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट फैक्टर है लगभग सेवन परसेंट उस टाइगर रिजर्व का एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत है इसके अलावा और आपको ध्यान रखना है थ्री कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट आर सर्वेड तो इसमें क्या होता है कैनोपी मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं तो कितना डेंस लग रहा है फॉरेस्ट अगर सेवेंटी परसेंट कवरेज दिख रहा है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है चालीस से फोर्टी टू सेवेंटी परसेंट है तो मॉडरेटली डेंस है टेन टू फोर्टी परसेंट ओपन फॉरेस्ट है बाकी फिर कुछ स्क्रब्स वगैरह ये सब हैं श्रब्स वगैरह होंगी ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे लैंड डिग्रेडेशन का भी एक पॉइंट है जो काम आ रहा है ना मतलब जो पॉइंट है हमारे सामने आया नॉर्थ ईस्ट अकाउंट फॉर अराउंड वन फोर्थ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं लगभग तेबीस चौबीस परसेंट अकेला नॉर्थ ईस्ट रेस्पॉन्सिबल है जबकि इंडिया के एट परसेंट लैंड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया रीज़न क्या है क्योंकि यहाँ पे हमने ग्राफ में ये जो मैप था यहाँ पे देखा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट कम हो रहा है फॉरेस्ट कवर कम हुआ है तो इसका रीज़न क्या है रीज़न ये दे रहे हैं आप देखोगे नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं स्पेशली लैंड हो गया फॉरेस्ट फायर हैं ना अभी आप देखोगे जिकाव वैली जो है वहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर थी न्यूज़ में रहा था एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब ह्यूमन रिलेटेड जो इंटरफ्रेंस है वो यहाँ पे रीज़न है शिफ्टिंग कल्टिवेशन जिसे झूम कल्टिवेशन भी कहते हैं झूम कल्टिवेशन भी कहते हैं जहां पे आपने एक जगह पे कल्टिवेशन किया फिर वहां पे उसको जला के फिर दूसरी जगह जा रहे हैं इस तरह से प्रेशर ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड फेलिंग ऑफ द ट्रीज ये कुछ रीजन है तो ये तो जनरल रीजन है इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है ये तो आप अपने कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते हो वही सारे रीजन यहाँ पे इन्होंने लिख रखे हैं रीजन सारे जनरल हैं एक बार इसको देख के पढ़ लेना उसमें कुछ नया नहीं है और उस वजह से हमें ये कम देखने को मिल रहा है अब ये जो पूरा रिपोर्ट आई जिसके अंदर गवर्नमेंट कह रही है गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है फॉरेस्ट कवर बढ़ा है तो अच्छी बात है लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपने क्या किया है जो प्लांटेशन के अंदर जो एरिया है ऐसे एरिया जो कि प्लांटेशन के अंदर है मान लीजिए कॉफी प्लांटेशन है या अदर काइंड ऑफ प्लांटेशन इज देयर रबड़ एक्सेट्रा तो उन एरिया को भी आपने फॉरेस्ट कवर के अंदर इसमें इंक्लूड किया है एक्सपर्ट्स आर सेग सर्वे रिजल्ट वुड बी मिसलीडिंग एज इट इंक्लूड प्लांटेशंस सचैज कॉफी कोकोनट मैंगो अदर एटसेट्रा तो ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि प्लांटेशन के अंदर उस तरह की वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी जो प्रॉपर जंगल है वहाँ पे जिस तरह की बायोडाइवर्सिटी है है ना क्योंकि वो पूरी तरह से नेचुरल है ये तो मैन मेड है तो ये एक चर्चा का विषय था लेकिन प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये मेन्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो ये पूरी जो रिपोर्ट है इसको हमने कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया है थोड़ी सी बड़ी है बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉब्लम्स एज एज वेल फ्रॉम्स इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्योंकि इस रिपोर्ट से आप देखोगे एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन डिराइव हो रहे हैं कहीं से भी कैसे भी करके पूछ लेगा तो ये ध्यान रख लेना आगे आते हैं आ, लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक ऑयल स्पिल की बात हो रही है और आपको आपने देखा होगा कि आ, जो एक वॉलैनिकपशन था है ना इन पैसिफिक तो वहां पे टोंगा इरप्शन और इस पे आर्टिकल भी था लगभग एक साल इसको हो गया है। तो वो जो वॉलकैनो इरप्ट हुआ पैसिफिक ओशन में तो वॉलकैनो के इरप्ट होने की वजह से यहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ था फाइन ऑयल स्पिल कॉज बाय द वेव्स क्योंकि जब वॉलैनो इरप्ट कर रहा है तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी वेव्स बन रही हैं कई बार सुनामी भी आ जाती हैं तो उसकी वजह से जो ऑयल स्पिल हुआ उसने एनवायरमेंटल इमरजेंसी क्लियर डिक्लेयर यहाँ पे की थी और ऑयल स्पिल पे कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखो ऑयल स्पिल को क्लीन कैसे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो बेसिकली ये कह रहे हैं तीन तरीके हैं एक तो होता है स्कीमिंग स्कीमिंग में हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे ऑयल को फ्रॉम द सी सरफेस क्योंकि ऑयल क्या करेगा मान लीजिए कि ये पूरा सी है यहाँ पे ऑयल फैला हुआ है जैसे जैसे ये दूसरे पार्ट में फैलेगा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएगा जो भी वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स है मरीन एनिमल्स है उनको नुकसान पहुंचाएगा तो हम क्या कर रहे हैं उसको दूसरी जगह पहुंचने से पहले ही क्लियर कर रहे हैं ये हो गया स्कीमिंग और दूसरा हम क्या कर सकते हैं ये जो पर्टिकुलर ऑयल यहाँ पे यहीं पे इसको जला दिया तो ये यह यहीं पे जल के खत्म हो जाएगा दूसरे एरिया में नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये हो गया इन सिटू बर्निंग इन सिटू का मतलब होता है उसी जगह पे एक्स सिटू होगा मतलब दूसरी जगह ले जाएंगे फिर हो रहा है केमिकल डिस्पर्सेंट रिलीज करते हैं जिससे जो ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे इस तरह से ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाएंगे और फिर हम क्या कर सकते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके माध्यम से उनको कंज्यूम करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है बायो रिमेडिएशन इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं बायो रिमेडिएशन बैक्टीरिया कैन बी यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स इन द ओशन थ्रू बायो रिमेडिएशन फाइन और यहाँ पर यह कुछ बैक्टीरिया के नाम है तो ये आप पढ़ लेना ऑली स्पाइरा वगैरह वगैरह तो ये क्या करते हैं डेफिनेटली जो भी कंटेमिनेंट्स हैं या जो ऑयल स्पिल्स है उसको ये इस तरह से बायोडाइजेस्ट करते हैं और वहाँ से रिमूव करते हैं इसके अलावा कुछ नेचुरल एक्शन है ये इंपॉर्टेंट है अगेन नेचुरल एक्शन इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट दे आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ ऑयल स्पिल कैसे कर रहे हैं आप देखोगे जैसे वेदरिंग हो रही है इवेपोरेशन है बायोडिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन मतलब जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो भी ऑयल स्पिल का प्रभाव को कम करते हैं अलग अलग एन्वायरमेंट में अलग अलग प्रभाव होगा लेकिन ये सारी चीज़ें भी ऑयल स्पिल का जो गंभीर प्रभाव है उसको कम करने में सहायता करती हैं ये याद रखना है टेलीग्राम आईडी क्या है टेलीग्राम आईडी नाम डाल के सर्च कर लो टेलीग्राम पे मिल जाएगा ठीक है या यूपीएससी राहुल भरद्वाज ये टेलीग्राम आईडी है आपका ये टेलीग्राम पे जुड़ जाना यहाँ आपका सेशन जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाता है और ये क्लास जो है अभी डेली बेसिस पे आपकी हो रही है डेली बेसिस पे हो रही है तीन बजे आपकी ये क्लास होती है सो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड ऑन दिस क्लास और अभी आपका साढ़े चार बजे लगभग चार बज रहा है ना साढ़े चार बजे एक आपकी स्पेशल क्लास है साढ़े चार बजे जो क्लास होगी उसमें हम इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ ओके और जो भी बच्चे यू की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली दो की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नाइनटीन ऑफ जनवरी से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है और दिस इज़ अ काइंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हियर आई विल बी टेकिंग द इकोनॉमिक्स तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे है ना पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और अनकेडमी आपको ऑप्शन देता है सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पे एक ही बार फीस देनी है अलग अलग जगह पे अलग अलग कोई फ़ीस नहीं देनी उसमें आपके नोट्स भी आ गए आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ठीक है डाउट सॉल्विंग सेशन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लासेस सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है है ना जब आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे यू विल फाइंड दीज प्लान्स एक साल का लेना है दो साल का वहीं पर फीस स्ट्रक्चर भी मैंशन है कितना फ़ीस है और फिर जब आप ये कोड पुट करेंगे आर बी एल आई वी तो आप देखेंगे जो भी मैक्सिमम एप्लीकेबल डिस्काउंट है वो आपको हो जाएगा फाइन एंड यू आर रेडी टू गो इस तरह से आप जा सकते हैं आइकॉनिक में कुछ एडिड एडवांटेज है लाइव मेंटरशिप वगैरह उसके लिए जा सकते हैं मेक श्योर वे गोइंग फॉर दब्सक्रिप्शन द कोड आर बी लाइव टू गेट द पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो जीरो परसेंट ई एम आई ऑप्शन भी मिलता है अगर आप चाह रहे हैं वो ले सकते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में ऑफलाइन सेंटर ओपन हुआ है यू कैन विजिट दिस ऑल्सो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए जो बच्चे अप्लीकेबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं दिस इज ऑल हियर ओके ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड प्लीज डू शेयर दिस सेशन अगर आपको लग रहा है हेल्पफुल है सेशन तो और बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फायदा हो सके साढ़े चार वाली जो क्लास है अभी वो आपकी स्पेशल क्लास है मतलब वो अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे होगी उस क्लास का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ दिस इज द टेलीग्राम चैनल लेट मी जस्ट शेयर दिस वन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर इकनॉमी की क्लास हैं उसको हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू बेसिस पे लेने की ताकि जो आपकी प्रॉब्लम्स की इकोनॉमी है वो पूरी हो जाए सो द क्लास लिंक आई एम शेयरिंग ऑन दिस या फिर आप अनकेडमी की वेबसाइट पे जाके मेरा जो प्रोफाइल है उसको फॉलो कर लेना है ना वहाँ पर फ्री क्लास का जो आएगा वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा अभी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ इस क्लास को साढ़े चार बजे ये क्लास होगी ठीक है मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे क्लास का लिंक शेयर कर दिया है तो उस लिंक पे क्लिक करना फ्री क्लास है क्या है फ्री क्लास है उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे उस पर आपको एनरोल करना है एनरोल करना है अगर कोड की रिक्वायरमेंट है तो आर बी लाइव ये कोड पुट कर सकते हो अगर कोड रिक्वायर कर रहा है आर बी एल आई वी उस पर एनरोल कर लेना इससे क्या फ़ायदा होगा वंस द क्लास गोज लाइव यू विल गेट द नोटिफिकेशन तो दिस इज ऑल हैव हैवे ग्रेट डे एंड कोई डाउट किसी बच्चे का आंसर राइटिंग कैसे करें मोहित का है तो इस पर हम एक स्ट्रैटेजी सेशन ले लेंगे है ना एक्चुअली काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी सेशन लेने हैं क्योंकि बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं तो अब ये चीज़ ऐसी है कि इसको दो मिनट में आप नहीं बता सकते हो है ना कि नोट्स कैसे बनाना है या फिर करंट अफेयर को कॉम्प्रीहेंसिवली कैसे कवर करें फाइन या फिर आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग इनपुट्स हैं तो डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग स्पेशल आई मीन सेपरेट स्ट्रैटजी सेशन